अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और बड़ा वाकया, एक मरतबा फिर सीसीटीवी ने वो रिकॉर्ड किया जिसको देख के यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन हमने आपके सामने जाहिर सी बात है ये चीज़ रखनी है और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आज इस सोसाइटी में क्या कुछ चल रहा है। इख्तिताम मिस मत कीजिएगा, आज की वीडियो आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हालात ऐसे हैं कि आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं करप्ट अनासर ज़रूर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आज की इस वीडियो में ही देखने को मिल रहा है। एक बाइक यहाँ पे खड़ा है नाज़रीन इकराम, और एक शख्स यहाँ पे आके इस बाइक के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। सामने कुछ नौजवान बैठे हैं, उन्हीं में से एक उठ के आता है और इसे रोकने की कोशिश करता है। अब जो शख्स बाइक के साथ छेड़खानी कर रहा है, अब इसके कॉलर के साथ आप देख रहे होंगे एक कल्हाड़ी है जिसे दूसरा नौजवान आके पहले ही निकाल देता है। इसलिए निकाल देता है कि शायद ये वापस हमला आवर हो जाए। इसे रोकने की कोशिश की जाती है और ये बाइक बचा लिया जाता है, जिस बाइक को हथियाने के लिए ये यहाँ पे आवारगी करते हुए बदमाश बना पहुँचा था। अब ये खुले आम अगर इस तरह कल्हाड़ी वगैरह या नुकसानदेह चीज़ उठा के घूम रहा है और फिर ऐसी वारदातें भी करता है तो कहाँ है पुलिस, कहाँ है कराची के वो पुलिस अहलकार जो मूछें खूब मरोड़ मरोड़ के आवाम से पैसे हथियाते नज़र आते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। कहाँ है वो पुलिस जिससे लोग अपनी जेबें बचाते फिरते हैं, कहाँ है वो पुलिस जिसने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर रखना था, गायब नज़र आती है। ये कराची में फेडरल एरिया ब्लॉक 15 में एक नाकाम वारदात की गई जिसे हमने आपके सामने रखा। नासीन इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी आरा भी दीजिए इसके हवाले से ऐसे वाक़ात क्यों पेश आते हैं, आपको क्या लगता है। शेयर कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेलेक्ट कर दें।